नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम इनर प्रोडक्ट स्पेस टॉपिक के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राम स्मिथ थ्योरम। इसके अलावा इस थ्योरम को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, IPS, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे हम कहते हैं डायगोनलाइजेशन थ्योरम। ज्यादातर ये जो थ्योरम है ये इस नाम से एग्जाम में पूछी जाती है, ग्राम स्मिथ थ्योरम। इसके अलावा आप इसको इन दो नामों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, और इसको इसकी पूरी स्टेटमेंट लेकर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी एक बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। ये इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है जिसको एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के भी पूछा जा सकता है। ये कुछ इस तरह से है कि हर एक जो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसकी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस जरूर होगी। हमें पता है कि हमारे पास में अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी बेसिस एग्जिस्ट करती है। और आज के वीडियो में इस थ्योरम के माध्यम से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि उसकी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर उसकी कोई भी हमारे पास में बेसिस है a1, a2 एंड सो ऑन an, अगर हमारे पास में वो उसकी एक बेसिस ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ aij इज इक्वल टू 1 इफ i इज इक्वल टू j एंड 0 इफ i नॉट इक्वल टू j। यानी एक इसकी कम से कम इसकी हमें पता है कि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती है, तो वहाँ पर ऐसी एक बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, ऐसी एक सेट ज़रूर एग्जिस्ट करेगी सच दैट हमारे पास में जो इनर प्रोडक्ट aij जो है वो 1 होगा अगर i इज इक्वल टू j है, यानी सेम एलिमेंट के साथ में अगर इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो 1 होगा, और उन्हीं का आपस में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है, जैसे कि a1 का a2 के साथ में, a3 के साथ में या an के साथ में, तो वो हमेशा 0 होगा। यानी कि ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, एक ऐसी बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से नहीं कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादातर थ्योरम में क्या करते हैं कि हमारे पास में सपोज कोई भी बेसिस है b1, b2, b3 एंड सो ऑन bn, हम ये प्रूफ करते हैं, एक आर्बिट्ररी बेसिस लेते हैं हम और उसको प्रूफ कर देते हैं कि वो एक ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। नहीं, हम ये चीज़ यहाँ पर नहीं प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं प्रूफ करनी है कि हर एक जो बेसिस है वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। हमें प्रूफ ये करना है हैज़ एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, यानी उसकी एक ऑर्थो नॉर्मल बेसिस तो कम से कम एग्जिस्ट करेगी। यानी कि हमें अगर कोई बेसिस दे रखी है उसकी, तो उसकी मदद से हमें एक नई बेसिस तैयार करनी है जो कि ऑर्थो नॉर्मल वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बन जाए। हमारे पास में अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, तो हमें एक चीज़ दे रखी होती है, उसकी मदद से उसके एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम उसका एक नया प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं। वो चीज़ हम यहाँ पर ये चीज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास में बेसिस दे रखी होगी, इसकी मदद से इसके एलिमेंट्स को आपस में कुछ करके, कुछ ऑपरेशंस मैथमेटिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस के कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करके हम जो नई चीज़ क्रिएट करने वाले हैं वो हमारे पास में होगी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। तो ये चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। थ्योरम जो है वो टफ नहीं है, लेकिन उसके हर एक स्टेप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार कमेंट में आता है कि हम इसकी स्पीड को 1.5 टाइम्स कर देंगे तो इजी रहेगा, 1.75 टाइम्स कर देंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि आप बहुत स्लो बोलते हो।
रीजन स्लो बोलने का ये है, हो सकता है आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी हो, आप जल्दी ग्रेस्प कर जाएं, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूं अच्छे से, ताकि आपको बीच में कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े, जहां तक हो सके आपको चीजें जो है वो पूरी तरह से समझ में आ जाए। जब मैं क्लासरूम टीचिंग भी करती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप एक बार नहीं, आप 100 बार पूछिए चीज को, आप तब तक पूछिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप उसको रट्टा मत लगाइए, क्योंकि समझी हुई चीज आप भूलोगे नहीं और रटी हुई चीज जो है वो आप भूल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है गिवन वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो लेट डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन। सपोज वी की जो डायमेंशन है वो एन है, तो उसकी बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, एन। लेट ई वन ई टू एंड सो ऑन ई एन बी अ बेसिस ऑफ वी। ये हमारे पास में हम एक बेसिस देते हैं वी की। अब यहां पर आप क्या देखोगे, हम वन बाय वन एलिमेंट्स को, बेसिस के एलिमेंट्स को पिक करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो हर एक एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, क्योंकि अगर बेसिस के अंदर जीरो एलिमेंट कंटेन कर गया, जीरो ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगी जो कि बेसिस नहीं रह जाएगी। तो हमारे पास में ई वन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यों, क्योंकि वो बेसिस का एलिमेंट है। इवन हमारे पास में नॉन जीरो है, तो हमारे पास में हम क्या करते हैं, इसको एक नया नाम दे देते हैं, पुट डब्ल्यू वन इज इक्वल टू ई वन। आगे इसका क्या रोल होगा वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डब्ल्यू टू जो है उसकी कोई और वैल्यू होगी। स्टार्टिंग हम ई वन से कर रहे हैं, उसको डब्ल्यू वन असाइन करके, उसके बाद में डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर ये अलग अलग वैल्यूज दी जाएंगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि डब्ल्यू वन जो है उसको आप ई वन ले रहे हो, तो आपका डब्ल्यू वन जो है वो भी नॉन जीरो आ गया। अब डब्ल्यू वन अगर नॉन जीरो है तो इनर प्रोडक्ट जो डब्ल्यू वन का उसके साथ में है वो क्या हो गया आपका, नॉन जीरो। इसका मतलब आपके पास में नॉर्म ऑफ डब्ल्यू वन होल स्क्वायर जो है वो भी नॉन जीरो आ गया। अब ये अगर नॉन जीरो आया है, इसका मतलब नॉर्म ऑफ डब्ल्यू वन जो है वो भी नॉन जीरो आ गया। अब अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, बेसिकली नॉर्म किसका एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट है, तो अगर कोई भी फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब वन बाय नॉर्म एफ डब्ल्यू वन एग्जिस्ट और ये एफ को बिलोंग कर जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट एफ वन, एक नया सिंबल ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एफ वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन बाय नॉर्म डब्ल्यू वन। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जब हम इस एफ वन का नॉर्म लेंगे, नॉर्म ऑफ एफ वन, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू वन बाय नॉर्म डब्ल्यू वन। अब नॉर्म डब्ल्यू वन जो है वो बेसिकली एक स्केलर है, तो ये बाहर आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, कैंसलेशन हो जाएगा, ये बच जाएगा वन। तो यहां पर आपको एफ वन का नॉर्म क्या मिल गया, वन। ये हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट होगा अपनी, जो हम बेसिस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस उसका। अब यहाँ पर एक चीज आपने देख ली कि इसका, इसके साथ में जो नॉर्म है, सॉरी, इसका जो नॉर्म है वो वन आ रहा है, यानी कि नॉर्म ऑफ एफ वन स्क्वायर जो है वो वन ही आ गया। इसका मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ वन इज इक्वल टू वन। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो पहला एलिमेंट हमने सेलेक्ट करा है उसका, उसी के साथ में जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है वो वन आ रहा है। हमें पहला एलिमेंट ये वाला बेसिस का मिल गया है। अब हम सेकेंड एलिमेंट अपना किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था हमने डब्ल्यू वन को इवन लिया है, लेकिन डब्ल्यू टू हम इस तरह से नहीं लेंगे। हम डब्ल्यू टू किस तरह से लेंगे, हम डब्ल्यू टू लेंगे
E2 जो अपनी पुरानी बेसिस थी उसका सेकेंड एलिमेंट माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ E2 F1 और मल्टीप्लाई होगा ये F1 से। इस तरह से हम W2 सेलेक्ट कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इस तरह से आपने किस तरह से सेलेक्ट करा है। और जब आपको W2 मिलेगा, एक थोड़ा सा प्रीव्यू दे रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ पहले कि आपको क्या करना होगा। जब आपको W2 मिल जाएगा फिर आप F2 सेलेक्ट करोगे, W2 बाय नॉम W2। ये सेम रहेगा जैसे आपने F1 सेलेक्ट करा है, W1 बाय नॉम W1, F2 जो है वो आपको मिलेगा W2 बाय नॉम W2। फिर आप सेलेक्ट करोगे W3। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो इधर ये आ गया E3 माइनस E3 F1, इनर प्रोडक्ट आ गया F1 माइनस E3 F2 F2। इस तरह से आप यहाँ पर W3 सेलेक्ट कर रहे हो। फिर जब W3 आ जाएगा तब आप F3 कैसे सेलेक्ट करोगे, W3 बाय नॉम W3। तो इस तरह से आपको F1 F2 F3 एंड सो ऑन आप FN तक सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप ये चेक करोगे इनको सेलेक्ट करने के दौरान ही, जब आप F2 सेलेक्ट करोगे ना तब आप ये देखोगे कि इनका आपस में जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, यानी ये आपस में ऑर्थोगोनल हो गए। और किसी भी एलिमेंट का उसके दूसरे एलिमेंट के साथ में जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, लेकिन उसका खुद के साथ में जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इस तरह से ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगी। और हमने इससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी करी थी कि जो हर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर n वेक्टर्स कंटेन कर रहे हैं जो कि हमारे पास में डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस के डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास में बेसिस बन जाएगी वेक्टर स्पेस वी की, और बेसिस बन जाएगी। और ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है ही तो इसे हम कहेंगे कि ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन चुकी है। तो हम यहाँ पर W2 सेलेक्ट करते हैं अपना। ये तो था खाली एक प्रीव्यू था कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। पुट W2 इज इक्वल टू E2 माइनस E2 F1 F1। अब यहाँ पर W2 जो है वो आपका नॉन ज़ीरो होगा। नाउ W2 इज नॉन ज़ीरो बिकॉज इफ W2 इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर W2 ज़ीरो के बराबर हुआ तो E2 माइनस E2 F1 F1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा आपके पास में ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी ये ज़ीरो हो गई। इसका मतलब E2 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट E2 F1 F1 ये आ जाएगा। F1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, ये क्या आ गया E2 F1 ये है E1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करती हूँ E2 F1 W1 बाय नॉन W1 ये वैल्यू है। W1 क्या है E1 बाय नॉम E1। तो आपको इस तरह से E2 इज इक्वल टू E2 F1 बाय नॉम E1 इंटू E1 मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये तो बेसिकली एक स्केलर है, ये F का एलिमेंट है, ये एक स्केलर है। आप E2 को एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ E1 जो कि पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होगा हमारे पास में E1 और E2 जो है वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, विच इम्प्लाइज E1 एंड E2 आर लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स। ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स हो गए, लेकिन ये हमारे पास में किसके बेसिस के एलिमेंट्स हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स हो नहीं सकते हैं। नाउ E1 एंड E2 आर एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, therefore it cannot be linearly dependent, therefore हमने जो assume करा था कि W2 जो है वो ज़ीरो है वो possible ही नहीं है, therefore W2 जो है वो हमारे पास में क्या हो गया non-zero। अब अगर W2 non-zero है तो जैसे हमने W1 proceed करा था वैसे ही हम W2 को proceed करते हैं।
अगर डब्लू टू नॉन जीरो है तो इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्लू टू इज नॉन जीरो। इसका मतलब कि इसका जो नॉर्म का स्क्वायर है वो भी नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब नॉर्म ऑफ डब्लू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास में नॉर्म डब्लू टू जो है वो नॉन जीरो हो गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एफ टू सेलेक्ट कर लेंगे अपना डब्लू टू बाय नॉर्म डब्लू टू, ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आपने जैसे चेक करा था कि नॉर्म ऑफ एफ वन जो है वो वन आ रहा है, उसी तरह से आप चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो कि क्लियरली नॉर्म ऑफ एफ टू इज इक्वल टू वन। आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको करके भी बता देती हूँ नॉर्म ऑफ एफ टू क्या है। डब्लू टू बाय नॉर्म डब्लू टू, ये नॉर्म डब्लू टू बाहर आ गया डिनोमिनेटर वाला क्योंकि ये एक स्केलर है, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये वन बच गया। तो हमें क्लियरली नॉर्म ऑफ एफ टू जो है वो यहाँ पर वन मिल गया। आप किसी भी एफ वन एफ टू एफ थ्री या किसी भी एफ वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका जब आप नॉर्म निकालोगे तो ये हमेशा वन ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टू जो है वो यहाँ पर वन मिल रहा है हमको, ये आ गया। अब हमें इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ वन तो पता है वन है एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टू जो है वो भी हमें पता है कि वन है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या एफ वन जो है वो एफ टू के साथ में ऑर्थोगोनल है या फिर वो नहीं है। नाउ टू चेक एफ वन इज ऑर्थोगोनल टू एफ टू, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एफ टू की बजाय सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ वन जो है वो डब्लू टू के साथ में ऑर्थोगोनल है या नहीं, क्योंकि हमारे पास साथ पास में एफ टू जो है वो डब्लू टू बाय नॉन डब्लू टू है। तो हम इसकी बजाय एफ वन को इसकी बजाय चेक करने के हम एफ टू के साथ में देखेंगे कि क्या वो डब्लू टू के साथ में देखेंगे कि क्या वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हम इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्लू टू एफ वन। ये क्या आएगा हमारे पास में, डब्लू टू की वैल्यू क्या है, ई टू माइनस ई टू एफ वन और ये है एफ वन। फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ ई टू एफ वन माइनस ये ई टू एफ वन जो है यहाँ वाला, पहले हम क्या लिख रहे हैं ई टू एफ वन, अब माइनस ये वाला जो है ये हमारे पास में एक क्या है स्केलर, तो ये बाहर आ गया। अब बचा हमारे पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ वन एफ वन, ये क्या है वन, हमें मिल गया ई टू एफ वन माइनस ई टू एफ वन, ये हमें मिल गया ज़ीरो। तो आपको क्या मिल गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ डब्लू टू एफ वन जो है वो क्या मिल गया ज़ीरो। इसका मतलब डब्लू टू इज ऑर्थोगोनल टू एफ वन, ये एफ वन के साथ में ऑर्थोगोनल हो जाता है। अब हम कंसिडर करते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ वन एफ टू। नाउ कंसिडर इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ वन एफ टू। अब यहाँ पर देखिए ये एफ वन एज इट इज है, एफ टू की वैल्यू हम डालते हैं, ये है डब्लू टू बाय नॉन डब्लू टू। अब ये नॉन डब्लू टू जो है उसको हम बाहर लेकर आ जाएंगे, ये आ गया हमारे पास एफ वन एफ टू और अभी जस्ट हमने ये प्रूव करा कि इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है ज़ीरो। इसका मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ वन एफ टू क्या मिल गया हमें ज़ीरो। देयरफॉर ये क्या आएगा हमें, ये आएगा नॉन डब्लू टू इंटू ज़ीरो विच इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक स्टेप में यहाँ पर लिखना भूल गई थी। तो हमें इनर प्रोडक्ट जो है एफ वन एफ टू का वो क्या मिल गया ज़ीरो। देयरफॉर एफ टू इज ऑर्थोगोनल टू एफ वन, देयरफॉर हमारे पास में एफ वन एफ टू जो है क्या मिल गया एक ऑर्थोगोनल सेट, इज ऑर्थोगोनल सेट। लेकिन इनका आपस में जो इनर प्रोडक्ट है वो वन आ रहा है, यानी एफ वन का एफ वन के साथ में वन आ रहा है इनर प्रोडक्ट
और F2 के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो वन आ रहा है. देयरफॉर F1 F2 इज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट. तो ये एक ऑर्थो नॉर्मल सेट हो गई. अब हम अपने तीसरे एलिमेंट यानी F3 की तरफ बढ़ेंगे. अब F3 की तरफ बढ़ने के लिए हमको W3 चाहिए, तो हम ले लेते हैं पुट W3. अब W3 किसकी मदद से हम लेंगे? E3 की मदद से. माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ E3 F1 F1 माइनस E3 F2 F2. अब हमारे पास में W3 जो है वो नॉन ज़ीरो होगा. ये कैसे होगा? जैसे हमने प्रोसीड करा था कि W2 जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो W3 जो है वो नॉन ज़ीरो होगा. बिकॉज इफ़ अदरवाइज, अगर हम ऐसा नहीं लेते हैं तो हमारे पास में E1 E2 E3 बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट, जो कि हमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि E1 E2 E3 जो हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं बीइंग द बेसिस एलिमेंट्स. तो हमारे पास में W3 जो है वो नॉन ज़ीरो है. इसका मतलब कि नॉन W3 जो है वो भी नॉन ज़ीरो होगा. अब हम पुट करते हैं, पुट F3 इज इक्वल टू 1 by नॉन W3 into W3. ये हम लेते हैं. आप यहाँ पर भी क्लियरली देख सकते हो कि नॉर्म ऑफ F3 जो है वो क्या आ रहा है? 1. अब यहाँ पर हमारे पास में इसका जो नॉर्म है वो भी 1 आ गया. अब हमें ये चेक करना है टू चेक F3 इज ऑर्थोगोनल टू F1 एंड F2. F3 जो है वो F1 और F2 के साथ में ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है, ये चीज़ हमें चेक करनी है. इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? F3 जो है वो किसकी फॉर्म में है? W3. तो हम ये चेक करेंगे, दैट इज टू चेक W3 इज ऑर्थोगोनल टू F1 एंड F2, कि क्या W3 जो है वो F1 और F2 के साथ में ऑर्थोगोनल है या नहीं है, वो चीज़ हम चेक करेंगे. तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं W3 का इनर प्रोडक्ट F1 के साथ में. सबसे पहले इनर प्रोडक्ट ऑफ W3 F1. हमारे पास में W3 जो है वो पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये है हमारे पास में E3 माइनस E3 F1 F1 माइनस E3 F2 F2 F1. अब इसको ओपन जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा E3 F1 माइनस, फर्स्ट हमने इसको कंसिडर करा, अब हम इस एक्सप्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं. तो ये E3 F1 बाहर आ गया, ये आ गया F1 F1 माइनस, अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये E3 F2 आ गया इनर प्रोडक्ट बाहर, ये आ गया F2 F1. अब यहाँ पर ये देखिए, ये 1 के बराबर है इनर प्रोडक्ट F1 का उसी के साथ में, और ये 0 के बराबर है. तो हमें क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू माइनस E3 F1 विच इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर? देयरफॉर W3 इज ऑर्थोगोनल टू F1. सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन चेक W3 इज ऑर्थोगोनल टू F2. W3 जो है वो F2 के साथ में भी ऑर्थोगोनल है. अब हमने W3 को चेक कर लिया कि वो F1 और F2 के साथ में ऑर्थोगोनल है. अब हम ये चेक करेंगे कि F3 जो है वो भी F1 और F2 के साथ ऑर्थोगोनल है. नाउ टू चेक F3 इज ऑर्थोगोनल टू F1 एंड F2. इसके लिए हम कंसिडर करते हैं इनर प्रोडक्ट F3 और F1 का. ये हो जाएगा हमारे पास में W3
by norm W3 F1, 1 by norm W3 बाहर आ गया, ये आ गया W3 F1, ये हमने चीज़ ऑलरेडी प्रूव करी है कि ये ज़ीरो है, यानी 1 by norm W3 इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें क्या मिल गया, F3 इज ऑर्थोगोनल टू F1। सिमिलरली हम ये चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, F3 इज ऑर्थोगोनल टू F2, यानी कि हमारे पास में F1, F2, F3 जो है, नाउ ये जो सेट हमें मिल गई है F1, F2, F3, ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट हमको मिल जाती है, इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब इसी तरह से आप प्रोसीड करते रहिए, आप कहाँ तक प्रोसीड करोगे, जब तक आपको Fn मिलेगा। नाउ प्रोसीडिंग लाइक दिस इन दिस मैनर वी गेट F1, F2 एंड सो ऑन Fn इज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट। हम अप टू Fn हम फाइंड आउट करेंगे और हम ये चेक भी कर सकते हैं कि ये एक ऑर्थो नॉर्मल सेट मिल रही है हमको, इसको हम एक नाम दे देते हैं S। अब सेट S का ऑर्डर क्या है, n, और हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये चीज़ प्रूव कर रखी है कि जो हर एक ऑर्थो नॉर्मल सेट होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होती है। नाउ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बीइंग ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करके नहीं दिखानी है, खाली स्टेट को कोट कर दीजिए कि हर एक जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होती है वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होती है। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ V जो है वो हमारे पास में क्या है, n, तो ये जो सेट S है वो हमारे पास में बेसिस बन जाएगी V की। देयरफॉर S बिकम्स अ बेसिस ऑफ V विच इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इस तरह से हमें यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है उसकी एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाती है। हमने शुरुआत इसकी बेसिस से करी थी और इसको हमने ऑर्थोनॉर्म, इसकी मदद से हमने एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कंस्ट्रक्ट करा है, नई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो फॉर्म करी है, नॉर्मल बेसिस जो हमें दे रखी है उसके एलिमेंट्स की मदद से। हम वन बाय वन पिक करते गए, हमने E1 की मदद से W1 को पिक करा, W1 की मदद से F1 को पिक करा, इन तीनों की मदद से हमने W2 को पिक करा, W2 की मदद से हमने F2 को पिक करा, अब इन सभी एलिमेंट्स की मदद से हमने W3 को पिक करा, W3 की मदद से हमने F3 को पिक करा। इस तरह से हमने F1, F2 टू Fn, ये जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है इसके एलिमेंट्स जो हैं वो मिलाकर एक नई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कंस्ट्रक्ट करा। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है, ग्राम स्मिथ थ्योरम, ये कंप्लीट होती है। कोशिश मैंने ये करी है कि जितना हो सके इसके हर एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको फिर भी इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज़ देखने के लिए लर्न मैथ ईजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि हर एक जो सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, उसका एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो भी थ्योरम्स मैं आपको करा रही हूँ उसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। कुछ थ्योरम्स रह गई हैं और उसके बाद में हम प्रोसीड करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स की तरफ, जैसा कि हम हर एक टॉपिक के साथ में करते हैं। जितनी भी थ्योरी वीडियोस, जितनी भी थ्योरीज, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, रिजल्ट्स कराने के बाद में उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स की तरफ, ताकि आपको रिजल्ट्स पहले से क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।